बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से भाई मैं लाइव हूँ आपके साथ और आपको दे दूंगा एक अपडेट सऊदी अरब से। अपडेट ये है भाई के आज की वीडियो अगर मैं ना भी बनाता तो कोई इतनी खास बात नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये अगर सोचा जाए तो बहुत खास बात है, तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। भाई बात यह है कि मैंने खुद से देखा भाई पाकिस्तान में कि एक बूढ़ी औरत को जिसकी उम्र 60 साल से गालबन जायद ही थी, वो कुरान पाक उसने पहले नहीं पढ़ा था, लेकिन 60 साल से ज्यादा उम्र की थी वो औरत उस टाइम मेरे हिसाब से। तो मैं छोटा था, मैं भी कुरान पाक पढ़ रहा था, तो वो कुरान पाक पढ़ने आती थी, तो हम देखकर हैरान रहते थे कि यार ये बूढ़ी औरत है, अम्मा ये कुरान पाक पढ़ने आती, क्योंकि उसने पहले कुरान पाक पढ़ा नहीं था, तो वो उस टाइम ही कुरान पाक सीख रही थी, पढ़ रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई दूसरी बात नहीं करनी चाहिए, कुरान पाक तो आप किसी भी उम्र में पढ़ सकते हैं, हिफ्ज कर सकते हैं। लेकिन यह वीडियो की खास बात यह है कि सऊदी अरब का एक इलाका है जी, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप न्यूज देख भी रखे होंगे जी, मुहाफजा अल्फाज जी, मेरे भाई मुहाफजा अल अफलाज के इलाके की ये वीडियो है। वहां की एक खातून थी, वो तस्वीर भी उस खातून की थोड़ी सी शेयर की गई है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। इसकी उम्र भाई 68 साल थी, तो इसने 68 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज किया है, और हिफ्ज करने की इसकी भाई बात ये नहीं है कि इसने किसी ने इसको पढ़ाया है और इसने वो याद किया है और बाद में उसे सुनाया है और कुरान पाक हिफ्ज कर लिया है, ऐसी बात नहीं थी। इसकी जो खास बात है ना इस वीडियो की, वो ये है भाई कि इस औरत को ना तो लिखना आता है ना पढ़ना आता है। इसने जो ऐसे आप देख लें जी, ये टीवी पर मोबाइल के अंदर जो तलावत चल रही होती है, इसने वो तलावतें सुन सुन कर ना, कारियों की तलावतें लगी हुई है, सूरह रहमान की, सूरह मुल्क की, सूरह अखलास की, ऐसी सूरतों की भाई तलावतें जो लगी हुई होती है ना, वो ये सुनती रही है, ये फिर याद हो गया इसको वो, तो इसने आस्ता आस्ता फिर स्टेप बाई स्टेप वो कुरान पाक की तलावतें सुनने शुरू की, और कुछ साल के बाद ही आज अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अखबार की तरफ से ये न्यूज शेयर की जो मैं आपको दिखा भी रहा हूं कि इसने भाई 68 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। और खास बात मैंने आपको इसकी ये बता दी है कि इसे ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है, और फिर भी इसने कुरान पाक हिफ्ज कर लिया, यानी कि सुन सुन कर हिफ्ज किया है कुरान पाक। मैंने भाई अपनी जिंदगी में ऐसा वाकया पहली दफा देखा है कि कोई बंदा पूरा कुरान पाक हिफ्ज कर ले, और वो भी बगैर किसी उस्ताद के, यानी कि उस्ताद के बगैर ऐसे ही है ना, क्योंकि मदरसा ना ज्वाइन करे, किसी स्कूल वगैरह में ना जाए, ना कोई आपको पढ़ाए, ना आपसे सबक सुनाए, बस सिर्फ सुनकर कुरान पाक हिफ्ज कर लिया, जो कि माशाल्लाह बहुत बड़ी बात थी। और मैंने बोला यार न्यूज तो छोटी सी है, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। सऊदी अरब से मुतलक भाई आपको किसी भी किस्म की कोई न्यूज जाननी हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कोशिश करूंगा उस न्यूज के मुतलक बिल्कुल हक और सच से आगाही दे सकूं। अल्लाह हाफिज।